स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथी बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। देश आज अपना 71वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया। जानिए 15 अगस्त को पीएम मोदी के भाषण के दौरान कही गई 10 प्रमुख बातें, जिनसे हम ये मान सकते हैं कि आने वाले दिन अच्छे हो सकते हैं। गोरखपुर की घटना का किया जिक्र। प्रधानमंत्री मोदी ने गोरखपुर की बीआरडी अस्पताल में मासूम बच्चों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने कहा, पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा को देश ने देखा, अस्पताल में बच्चों की मौत हुई, यह बेहद ही दुखद है। इस संकट की घड़ी में मैं सभी देशवासियों के साथ हूं। काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगी जंग। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कहा, काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सरकार की योजनाओं में रफ्तार बढ़ी है। सरकार की किसी योजना में विलंब होता है तो सबसे अधिक नुकसान हमारे गरीब परिवारों को ही होता है। मैं सरकार के कामकाज का लेखा जोखा हर महीने लेता हूं। 9 महीने में मंगलयान पहुंच सकते हैं, लेकिन 42 साल से रेल का एक प्रोजेक्ट लटका पड़ा था। एक ऐसा माहौल था कि केंद्र बड़ा भाई है और राज्य छोटा। लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा हूं और मैं जानता हूं कि राज्यों के विकास में मुख्यमंत्री का कितना बड़ा योगदान रहता है। आज हम राज्यों को ताकत देकर बिजली के कारखानों के कारोबार में जो समस्याएं थीं, उसका मिलकर समाधान कर रहे हैं। आतंकियों के साथ कोई नमी नहीं बरती जाएगी। जम्मू कश्मीर पर पीएम मोदी ने कहा, आज भारत की साख विश्व में बढ़ रही है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आज हम अकेले नहीं हैं। दुनिया के कई देश सक्रिय रूप से हमारी मदद कर रहे हैं। विश्व के देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर का विकास, सामान्य नागरिक के सपनों को पूरा करना जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ सभी देशवासियों का यह संकल्प है। कश्मीर के अंदर जो कुछ होता है, आक्षेप भी बहुत होते हैं। मैं साफ मानता हूं कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, मेरे दिमाग में साफ है कि न गाली से समस्या सुलझेगी, न गोली से परिवर्तन होगा। कश्मीरियों को गले लगाकर यह परिवर्तन हो सकता है। आतंकवादियों को बार बार हमने कहा है कि आप मुख्य धारा में आए। आतंकवादियों के साथ कोई नमी नहीं बरती जाएगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अलगाववादी नए नए पैंतरे आजमाते रहते हैं, लेकिन आतंकवादियों के साथ हम कोई नमी नहीं बरतेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक पर दुनिया ने माना लोहा। पीएम मोदी ने कहा, देश की रक्षा सुरक्षा आम जनता के दिल में बहुत बड़ी हुई है। बलिदान की पराकाष्ठा करने में हमारे वीर कभी पीछे नहीं रहे। यूनिफॉर्म में रहने वाले लोगों ने त्याग किया है। सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो दुनिया को हमारा लोहा मानना पड़ा। भारत अपने आप में सामर्थ्यवान है और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को कंदिल फल रहे। नोटबंदी के बाद 3 लाख करोड़ रुपया बैंकिंग सिस्टम में आया। 1.75 लाख करोड़ की राशि शक के घेरे में है। अब व्यवस्था के साथ उन्हें अपना जवाब देना होगा। नए करदाताओं की संख्या इस साल दोगुनी से भी ज्यादा हुई है। 18 लाख से ज्यादा ऐसे लोगों को पहचाना गया है जिनकी आय उनके हिसाब किताब से ज्यादा है। 1 लाख लोग ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने कभी इनकम टैक्स का नाम भी नहीं सुना था, लेकिन आज उन्हें इनकम टैक्स जमा कराना पड़ रहा है। नोटबंदी के बाद जब डेटा माइनिंग की गई तो 3 लाख ऐसी कंपनियां पाई गईं जो सिर्फ हवाला का कारोबार कर रही थी। उनमें से 2.25 लाख कंपनियों पर ताले लटका दिए गए हैं। कुछ तो ऐसी शेल कंपनियां थीं जिनके एक ही पते पर कई कई कंपनियां चल रही थीं। हमने उन पर भी कार्रवाई की है। जीएसटी के कारण हजारों करोड़ की बचत हुई है, समय की भी बचत हुई है। चेक पोस्ट खत्म किए गए हैं। नोटबंदी के बाद बैंकों के पास अधिक मात्रा में धन आया है। डिजिटल लेन देन पर दिया जोर। डिजिटल लेन देन पर जोर देते हुए मोदी ने कहा, विश्व का सबसे बड़ा युवा वर्ग हमारे देश में है। क्या अब भी हम उसी पुरानी सोच में रहेंगे? आज जो कागज के नोट हैं, वो समय के साथ डिजिटल में बदलने लगे हैं। पिछले साल की तुलना में डिजिटल लेन देन में 34% की बढ़ोतरी हुई है। हिंदुस्तान की कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिससे लोगों का पैसा बचने वाला है। सस्ती दवाई गरीब के लिए बहुत बड़ी राहत बनी हुई है। हम गरीब और मध्यम वर्ग के लिए एक से बढ़कर एक योजनाएं शुरू कर रहे हैं। हमने जिला स्तर पर डायलिसिस को पहुंचाया है। हम तेजस हवाई जहाज के द्वारा दुनिया के अंदर अपनी धमक पहुंचा रहे हैं। जीएसटी से देश की कार्य क्षमता 30% बढ़ रही है। सही समय पर कोई कार्य पूरा न किया गया तो इच्छित परिणाम कभी नहीं मिलते, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है। न्यू इंडिया का दिया नारा। प्रधानमंत्री ने कहा, हमें 2022 में आजादी के दीवानों के सपनों के अनुरूप भारत बनाने के लिए 125 करोड़ देशवासियों के संकल्प और पुरुषार्थ से इस सपने को पूरा करना है। सामूहिकता की शक्ति बहुत बड़ी होती है। प्रभु श्री कृष्ण एक लकड़ी लेकर खड़े हो गए और गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। श्री राम को लंका जाना था,
व नरसेना उनके साथ खड़ी हो गई। हर कोई अपनी जगह से 2022 के लिए एक नई ऊर्जा नए संकल्प के साथ परिवर्तन ला सकता है। न्यू इंडिया जो सुरक्षित हो, समृद्धशाली हो, सबको समान अवसर उपलब्ध हो। हम तेजस हवाई जहाज के द्वारा दुनिया में नाम कमा रहे हैं। भीम ऐप का इस्तेमाल बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम न्यू इंडिया का संकल्प लेकर आगे बढ़ें। सही समय पर अगर कोई कार्य पूरा नहीं किया गया तो इच्छित परिणाम नहीं मिलेगा। टीम इंडिया के लिए हमें संकल्प लेना होगा। 2022 तक न्यू इंडिया का संकल्प लें। गरीब के पास पक्का घर, बिजली पानी हो, देश का किसान चिंता में नहीं चैन से सोए। तीन तलाक पर भी बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने तीन तलाक के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पीड़ित महिलाओं ने जोरदार आंदोलन किया। उन्होंने कहा कि देश में माहौल बनाया। इन महिलाओं की इस लड़ाई में हिंदुस्तान उनकी मदद करेगा। भविष्य निर्माण में माताओं बहनों का योगदान अहम होगा। मैं उन बहनों का अभिनंदन करता हूं जो बहनें तीन तलाक से पीड़ित थीं। उन्होंने आंदोलन खड़ा किया, बुद्धिजीवियों को हिला कर रख दिया। इस आंदोलन को चलाने वाली बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। हमने नौकरी में इंटरव्यू किया खत्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 29 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खुलते हैं, 9 करोड़ किसानों का सॉइल हेल्थ कार्ड बनता है, तब देश प्रगति पर आगे बढ़ रहा है। युवाओं को रोजगार के लिए कर्ज मिलता है जो कि बेहद ही कम दर पर दिया जाता है, तब जाकर देश आगे बढ़ रहा है और लोगों में विश्वास आता है। उन्होंने कहा कि आज जो सरकार कहती है वो करती है। तीसरी और चौथी श्रेणी नौकरी में इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। MFY News, हमेशा सच के साथ।